2023 में इतने सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ गए कि उन्होंने दुनिया की हर चीज को बोल दिया कि इसमें केमिकल उसमें केमिकल। लोगों का गुड़ से भी विश्वास उठ चुका है। तो आज देखते हैं गुड़ की मेकिंग और आप डिसाइड करना एंड में कि गुड़ खाना आपके लिए सेफ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आ गए बिल्कुल एक गांव के अंदर जहाँ पे ये गुड़ बनाया जाता है गन्ने के जूस से। तो पहले गन्ने को लिया जाता है, उसमें से उसका पूरा जूस निकाला जाता है और ये जो गन्ने का बूरा जो एंड में बच जाता है ये भी वेस्ट नहीं होगा, इसको सुखा के इसका ईंधन बनाया जाएगा जिसको आग लगा के गुड़ को पकाया जाता है। तो एवरीथिंग इज वेरी सस्टेनेबल इन दिस मेकिंग ऑफ गुड़। तो ये जो आप देख रहे हो एक जो उन्होंने कनाल बना रखा है, उस कनाल से एक जगह पे से पूरा गुड़ जो है वो इकट्ठा हो रहा है और फिर वो एक हीटिंग पैड में आ जाता है जहाँ पे उसको गर्म करा जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो उसमें सुखलाई डाली जाती है। सुखलाई एक पौधा होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है। ये क्या करता है, जो उसमें स्कम बनता है, स्कम दाल भी करोगे उसमें भी स्कम बनता है, तो जो स्कम बनता है इसको गंदगी बोला जाता है, उसको वो ऊपर आ जाती है और जैसे ही वो ऊपर आती है उसको अलग करके इकट्ठा कर दिया जाता है और उसमें से भी जो छान सकते हैं छान लेते हैं। और ये स्कम भी वेस्ट नहीं जाती, इसको भी एज अ चारा पशु पक्षियों को खिला दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये क्लियर होते रहता है, उस कम ऊपर आते रहता है, तो उसको मैन्युअली भी क्लीन करते रहते हैं। अब जो गन्ने का जूस है वो कैरेमलाइज होना शुरू हो गया और कैरेमल कलर में आ चुका है, जो गन्ने का आपका प्योर कलर है। यहां से फिर जब गन्ने का बिल्कुल एक गोल्डन कलर आ जाता है, उसके बाद उसको एक ठंडे करने के लिए एक अलग जगह पे ट्रांसफर करा जाता है और यहाँ पे इसको बार बार हिलाया जाता है कि गांठे ना बने। और कंसिस्टेंसी देखो धीरे 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 ये गाढ़ा होते रहेगा और जब तक ये कैरेमल कलर में नहीं आ जाता तब तक इसको ऐसे पकाया जाता है। उसके बाद इनको इस कंटेनर में डाल दिया जाता है आगे ठंडा होने के लिए। तो ये है नेचुरल मेकिंग गुड़ की। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि जो गुड़ आप खाते हो आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है, कि इसमें केमिकल जाता है नहीं जाता, दैट्स अप टू यू। तो अपनी आंख पे विश्वास करिए और जो आपको दिखा रहे दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ गुड़।